दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो क्राइम दास्तां सुनेंगे, यकीन मानिए आपका इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह घटना आज तक की सबसे अजीब और खौफनाक घटनाओं में से एक है। दोस्तों, इस केस की डिटेल्स आपको विचलित कर सकती है, तो कृपया अपने विवेक से काम लें और अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो इसे ना ही देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देसी डॉक्यूमेंट्रीज। दोस्तों, आज की ये कहानी उड़ीसा की है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नयापल्ली नाम का एक इलाका है, जहां सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहता था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में एक डॉक्टर के तौर पर काम करता था और अब रिटायर हो चुका था। इस डॉक्टर का नाम था सोमनाथ परीदा। दोस्तों, इस मोहल्ले के लोगों को सोमनाथ परीदा का घर बड़ा अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ परीदा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सोचकर आज भी उस इलाके के लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, इस बड़े और आलिशान घर में सिर्फ दो ही लोग रहा करते थे, सोमनाथ और उसकी पत्नी उषाश्री। सोमनाथ और उषाश्री की शादी सन 1977 में हुई थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा के दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा विपिन बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और अमेरिका जाकर सेटल हो गया और इनकी बेटी भी शादी के बाद दुबई में सेटल हो गई। 1998 में सोमनाथ परीदा सेना की नौकरी से रिटायर हो गए और वो अपनी पत्नी के साथ इस बड़े और आलिशान घर में रहने लगे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी लगभग 65 साल की थी। दोस्तों, मोहल्ले वालों को सोमनाथ बहुत ही अजीब किस्म का आदमी लगता था। वो काफी चिड़चिड़ा और झगड़ालू किस्म का आदमी था। उसकी अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती थी। लोगों की माने तो वो उस मोहल्ले का सबसे अजीब इंसान था और सोमनाथ ने ये बात एक भयानक कांड करके सच साबित कर दी। मोहल्ले के लोग उसके घर के सामने से होकर निकलने से भी बचते थे और अगर कोई उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता या उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता तो सोमनाथ उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता। सोमनाथ के घर के पास एक मंदिर था। अगर उस मंदिर में कोई घंटा बजाता तो सोमनाथ को उससे भी तकलीफ होती थी। कुल मिलाकर सोमनाथ एक बेहद ही सनकी किस्म का आदमी था। सोमनाथ के बारे में एक और बात अजीब ये थी कि सोमनाथ परीदा शाम के 6 बजे ही सो जाता और सुबह 3 बजे जाग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता जैसे उस घर में कोई रहता ही ना हो। इनके पड़ोसी बताते हैं कि आए दिन इस घर से दोनों पति पत्नी के लड़ने झगड़ने की आवाज आया करती थी। खैर, जैसे तैसे ये दोनों साथ में रह तो रहे थे और अपना समय गुजार रहे थे। सोमनाथ की पत्नी उषाश्री को किसी भी पड़ोसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में काम किया और WHO जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सोमनाथ एक सलाहकार के रूप में काम कर चुका था। दोस्तों, इसके अलावा सोमनाथ का अपने मोहल्ले के पास एक क्लिनिक भी था जहां वो बतौर डॉक्टर बैठा करता था। सोमनाथ के दोनों बच्चे अपने पिता से बात करना पसंद नहीं करते थे। दरअसल इन दोनों बच्चों को भी अपने पिता सोमनाथ का स्वभाव बहुत ही अजीब और डरावना लगता था और इसीलिए वो अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करते थे। दोनों बच्चे सिर्फ अपनी माँ से ही फोन पर बात किया करते थे। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि जून 2013 के एक दिन सोमनाथ का बेटा डॉक्टर विपिन परीदा अमेरिका से अपनी माँ के पास फोन करता है। उषाश्री का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसका बेटा सोचता है कि वो शाम को अपनी माँ को फोन कर लेगा, लेकिन शाम के समय भी उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। सोमनाथ का बेटा सोचता है कि शायद उसकी माँ कहीं बाहर गई है, तो वो कुछ दिन बाद फोन कर लेगा। उसका बेटा कई दिन तक लगातार अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। ऐसे ही 18 से 20 दिन बीत जाते हैं। अब उषाश्री के बेटे विपिन को किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। विपिन अपने पिता सोमनाथ से कभी बात नहीं करता था, इसीलिए विपिन ने अपने पिता को अभी तक फोन नहीं किया था। मगर इस बार विपिन को अपने पिता के पास फोन करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं दिखता, तो वो उन्हें फोन करता है। वो अपने पिता से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। इसके जवाब में सोमनाथ बोलता है कि उसकी माँ कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई चली गई है। उसके बेटे को ये बात बड़ी अजीब लगती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उसकी माँ बिना उसे बताए कहीं गई हो। खैर, अब विपिन अपनी बहन के पास दुबई कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या माँ तेरे पास आई है बहन। जवाब में उसकी बहन बताती है कि दुबई आना तो दूर, उसकी माँ से 20 दिनों से बात तक नहीं हुई है। अब दोनों भाई बहन को किसी बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था।
कहीं ना कहीं इसका शक उन्हें अपने पिता सोमनाथ परीदा पर हो रहा था। कंफर्म करने के लिए विपिन भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा रंजन समल को कॉल करता है और उन्हें पिछले 20 दिनों का सारा वाकया बताता है। विपिन के मामा भी सोमनाथ की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थे और सारी बात सुनकर उन्हें भी किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसके मामा विपिन को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि मैं आज ही तुम्हारे घर जाकर देखता हूं कि दरअसल मामला क्या है। अभी तक किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि एक बहुत ही बड़ा खौफनाक मंजर घर पर उनका इंतजार कर रहा है। खैर, उसी दिन 23 जून 2013 को विपिन के मामा अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन उषा के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम लगभग 5 बजे का समय था और सोमनाथ के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। विपिन के मामा घर की डोरबेल बजाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। विपिन के मामा उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोमनाथ अपने घर के अंदर ही है। विपिन के मामा लगातार 20 मिनट तक घर की डोरबेल बजाते हैं। थोड़ी देर परेशान होकर सोमनाथ घर की खिड़की खोलकर अंदर से जवाब देता है। जब विपिन के मामा सोमनाथ से पूछते हैं कि मेरी बहन कहाँ है तो सोमनाथ बोलता है वो तो 20 दिन पहले ही दुबई चली गई है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। विपिन के मामा जब घर के अंदर आने की बात कहते हैं तो सोमनाथ चिल्लाते हुए खिड़की को बंद कर लेता है और दरवाजा भी नहीं खोलता। थोड़ी देर घर के बाहर खड़े होने के बाद भी जब सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता तो विपिन के मामा घर की दीवार कूद कर घर के अंदर चले जाते हैं। विपिन के मामा खिड़की के पास जाते हैं ताकि उन्हें घर के अंदर सब कुछ दिख सके। खिड़की के पास उन्हें एक अजीब से मांस की बदबू आ रही थी। विपिन के मामा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो तुरंत लोकल पुलिस को कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस डॉक्टर सोमनाथ के घर पहुंचकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है लेकिन सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता। पुलिस के पास अब केवल एक ही रास्ता बचता है और वो घर का दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाकर उन्हें सोमनाथ परीदा मिलता है। उससे जब उसकी पत्नी उषा श्री के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि उषा अपनी बेटी से मिलने दुबई गई है। विपिन के मामा ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि उषा दुबई में अपनी बेटी के घर नहीं है। पुलिस अब घर की तलाशी लेना शुरू करती है लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं दिखता। पुलिस वालों को भी सोमनाथ पर शक हो रहा था क्योंकि घर में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। अभी बातचीत हो ही रही थी कि पुलिस के एक जवान की नजर बेडरूम में पड़े 2 आर्मी के ट्रंक पर जाती है। दरअसल इस तरह के संदूक आर्मी वालों को आर्मी की तरफ से मिलते हैं। इन दोनों संदूकों पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि इन दोनों ट्रंक में क्या रखा है। जवाब में सोमनाथ बताता है कि इसमें तो कुछ पुराने कपड़े और ज्यादा कुछ नहीं है। पुलिस को कुछ और शक होता है और वो दोनों संदूक को खोलकर देखती है। दोनों संदूक टिफिन बॉक्स से भरे हुए थे। टिफिन सामने देखकर सोमनाथ पुलिस से आंख बचा रहा था और उसका सामान ना छेड़ने की बार बार बात कह रहा था। पुलिस जब पहला टिफिन बॉक्स खोलती है तो सोमनाथ को छोड़कर घर में खड़े हर एक शख्स की रूह कांप जाती है। टिफिन बॉक्स में इंसानी मांस भरा पड़ा था और ये मांस के टुकड़े सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे। अब एक एक करके पुलिस ने सारे टिफिन बॉक्स को संदूक से बाहर निकाला और कुल मिलाकर ऐसे 22 टिफिन बॉक्स थे और हर एक टिफिन बॉक्स में उषा के शरीर के टुकड़े भरे हुए थे। दोस्तों, उषा श्री के शरीर के 300 टुकड़े किए गए थे लेकिन पुलिस को इनमें से किसी भी टिफिन बॉक्स में उषा का सिर नहीं मिला। पुलिस ने सोमनाथ से जब उषा के सिर के बारे में पूछा तो उसने डाइनिंग टेबल पर रखे बॉक्स की तरफ इशारा किया। उस बॉक्स को खोलते ही उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगी। जब पुलिस वालों ने बॉक्स के अंदर झांका तो उसमें उषा श्री का सिर रखा हुआ था। पुलिस ने जब सोमनाथ से कटे हुए सर को टेबल पर रखने का कारण पूछा तो सोमनाथ ने बताया कि वो रोज रात को सोने से पहले उषा श्री के सर से बात किया करता था। सोमनाथ के मुंह से ये बात सुनकर वहां खड़े हर एक शख्स की सांसें रुक गईं। सब हक्के बक्के रह गए। ऐसी कहानी तो पुलिस वालों ने आज तक नहीं सुनी थी, ना ही ऐसा कोई मंजर देखा था। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों, सोमनाथ इतना शातिर था कि उसने अपनी मेडिकल की जानकारी का इस्तेमाल करके हर टिफिन बॉक्स में एक केमिकल डाला हुआ था। ये केमिकल एक तरह का प्रिजर्वेटिव था जो किसी भी चीज को ज्यादा दिनों तक सड़ने से बचाता है।
अब पुलिस वालों ने जब सोमनाथ से हत्या का कारण पूछा तो उसने बताया कि 3 जून की रात को दोनों पति पत्नी में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उषाश्री ने अपना सिर दीवार में जोर जोर से मार मार कर अपनी जान दे दी। सोमनाथ का कहना था कि अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, सोमनाथ एक अच्छा सर्जन था तो उसे बॉडी पार्ट्स की अच्छी खासी जानकारी थी। उसने एक आरी और अपनी क्लिनिकल औजारों की मदद से उषाश्री के 300 टुकड़े कर दिए थे और शरीर के टुकड़ों को पैक करके रखने के लिए सोमनाथ अलग अलग दुकानों से टिफिन बॉक्स खरीद कर लाता और उसमें उषा के मांस के टुकड़ों को पैक कर देता। सोमनाथ हर दुकान से 2 या 3 ही टिफिन बॉक्स खरीदता ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसने पुलिस वालों को बताया कि वो उन टुकड़ों को शिरडी साईं में ले जाकर अपनी पत्नी उषा की समाधि बनाने वाला था और ऐसा करने के लिए उषा ने मरने से पहले सोमनाथ को बोला था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और उषा श्री के मांस और सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में उन्हें पता चला कि उषा की मौत सिर पर किसी भारी चीज के वार करने से हुई है। उन्हें सोमनाथ के घर से एक भारी टॉर्च मिली जिससे उषा जी की हत्या करी गई थी, यानी कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि साफ साफ एक हत्या थी। सोमनाथ ने 22 टिफिन बॉक्स इसलिए खरीदे ताकि वो अलग अलग दिन उषा के टुकड़ों को टिफिन में पैक करके अलग अलग जगहों पर फेंक सके। अगर कुछ दिन और बीत जाते तो शायद सोमनाथ इस काम में सफल हो जाता और उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो जाता। सोमनाथ पकड़े जाने के बाद भी बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में जरा भी दुख और पश्चाताप नहीं था। पुलिस को जांच में पता चला कि सोमनाथ इन 20 दिनों तक रोज की तरह अपने क्लिनिक पर जाया करता था, काम करता था। दोस्तों, यह हत्या इतनी असाधारण तरीके से की गई थी कि कोर्ट ने सोमनाथ की मानसिक जांच करवाने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि सोमनाथ ने यह हत्या पूरे होशो हवास में करी थी। और पुलिस को जांच में एक और बात पता चली कि उषा श्री अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी और इसी कारण रोज इनके घर में लड़ाई हुआ करती थी। और एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सोमनाथ ने अपनी पत्नी के सिर पर टॉर्च दे मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में 70 पन्नों की चार्जशीट फाइल करी। कोर्ट में केस चला और फरवरी 2020 को डॉक्टर सोमनाथ परिदा को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दोस्तों, इस कहानी से आप छोटी सी सीख लेकर जाइएगा। अगर आपका कोई अपना है जो किसी के साथ हिंसक रिलेशनशिप में है तो बेहतर है कि आप उसे सपोर्ट करें और जरूरत हो तो उन्हें ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने में उनकी मदद करें। इसके लिए आप बेझिझक पुलिस की सहायता ले सकते हैं। कदम उठाइए इससे पहले कि देर हो जाए।